हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरसा परेला होम्योपैथी के सबसे अच्छी मेडिसिन है जो कि पेशाब में जलन हो या पेशाब सही से नहीं हो रहा है, पेशाब करने के बाद भी लग रहा है कि पेशाब भरा हुआ है, तो उसके लिए अच्छी दवा है सरसा परेला। अगर किसी फीमेल का ब्रेस्ट के निप्पल छोटे हैं या धंसे हुए हैं तो उसके लिए अच्छी दवा है सरसा परेला। सरसा परेला स्किन को साफ करने में भी यूज किया जाता है। सरसा परेला का हमको मदर टीचर ही यूज करना है 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को। अगर राइट साइड किडनी में या दाहिने साइड किडनी में अगर पथरी है तो उसे भी निकाला जाता है सरसा परेला के द्वारा। स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो यूरिनरी आर्गन पर इसका वर्क होता है, जेनाइटल पर वर्क होता है, रेक्टम पर काम करता है और स्किन पर। सबसे अधिक अगर सरसा परेला का यूज देखें तो स्किन पर और यूरिन के समस्याओं में ही दिया जाता है। सरसा परेला का बच्चा का फेस ओल्ड मैन जैसा दिखेगा, उसका पेट उभरा हुआ रहेगा यानी कि फूला हुआ रहता है। अब देखते हैं गाइडिंग सिम्टम। यह राइट साइड रेमेडी है। यदि आप नए हैं तो पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह राइट साइडेड रेमेडी है। इसके अलावा राइट साइडेड रेमेडी होती हैं लाइकोपोडियम, कास्टिकम, ब्रोनिया, सेग्नोरिया। देर इज सीवियर अनेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, जस्ट यूरिन सीजेस टू फ्लो। वह उसको पेशाब करते समय इतना ज़्यादा दर्द होता है पेशाब करने के बाद या पेशाब करने के पहले, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है इनेबिलिटी टू पासिस यूरिन फ्रीली एक्सेप्टेड इन द स्टैंडिंग पोजिशन। वह खड़े होकर पेशाब करने में असमर्थ होता है, हमेशा बैठकर ही यूरिन पास करना चाहेगा। अगर किसी को यूरिन ऑफ वाइटेड साइडेड यूरिन हो रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है सरसा परेला। अगर रेड साइडेड हो रहा है तो लाइकोपोडियम। एयर पासेज अगर हो रहा है यूरेथ्रा से तो उसके लिए अच्छी दवा है सरसा परेला। अगर राइट साइड किडनी में पथरी है तो उसे भी निकाला जाता है सरसा परेला से। डिटेक्शन ऑफ निप्पल, अगर निप्पल धंसा हुआ हो या निप्पल छोटा हो फीमेल के, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। महिलाओं का निप्पल धंस गया हो या छोटे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। हर्पेटिक रिएक्शन ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में उसको अगर खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी दवा है। अगर हाथ और पैर में क्रैक्स हो रहे हैं, फिसर हो रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी दवा है। अगर गोनोरिया के सप्रेशन से अगर रिमेटिक अफेक्शन कुछ हो रहा है तो उसके लिए अच्छी दवा है